हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द इंजीनियर एडवाइस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आईपी सीसीटीवी और एनालॉग सीसीटीवी सिस्टम का कोर्स आने वाला है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। और एक मिस्टर नीलेश चौधरी, उन्होंने पूछा था कि कोर्स का कंटेंट क्या क्या है, एक बार बता दीजिए। तो ये बिल्कुल आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, और ये कोर्स बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक है। जिसके आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये एक 4 घंटे का कोर्स है, 4 घंटे 38 मिनट का, और बिल्कुल मैंने बेसिक से चला हूँ और एडवांस तक है। अभी ये सबमिट रिव्यू में गया हुआ है, सबमिट है अभी। रिव्यू रिव्यू होने के बाद ये लाइव हो जाएगा, 1-2 दिन लगेंगे, क्योंकि कोर्स लाइव होने से पहले ये रिव्यू में जाता है उडेमी पर, उसके बाद अप्रूव होता है, फिर ये लाइव होगा। तो आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है, सीधे मैं कोर्स के कंटेंट पे आता हूँ। तो देखिए, बिल्कुल बेसिक से चला हूँ मैं बिल्कुल, और आपने एक बार ये कोर्स कर लिया तो बिल्कुल आप इसके मास्टर बन जाएंगे। तो देखिए, पहला है एनालॉग सिस्टम का, मैंने बिल्कुल आर्किटेक्चर और इसके कंपोनेंट कौन कौन से यूज होते हैं सारी चीज़ें बताई। फिर आईपी सीसीटीवी के, ये कैमरे का बिल्कुल लाइव आपको इंट्रोडक्शन बताया, कैमरे हाथ में लेके क्या क्या उसमें क्या चीज़ें हैं, ठीक है। फिर आईपी कैमराज का के टाइप्स होते हैं, उनके एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती हैं, NBR DBR और HBR में क्या क्या डिफरेंस है, और बहुत सी। देखिए, H.264 H.265 क्या होता है, फिर इसके बाद H.265+ भी आ गया, वो भी मैंने इसमें बताया है। फिर देखिए, जब हम आईपी कैमरा की बात करते हैं, आईपी सीसीटीवी सिस्टम की बात करते हैं, उसकी जब हम नेटवर्किंग करेंगे, पोर्ट फॉरवर्डिंग करेंगे, आगे एडवांस नेटवर्किंग करेंगे, तो उसके लिए आपको PoCs पता होना चाहिए, स्विच कैसे काम करता है, राउटर, मॉडम, हब, ये बिल्कुल मैंने प्रैक्टिकली आपको पैनल पर ले आके बताया एकदम, ये पता होना चाहिए। फिर ईथरनेट केबल, उसकी लाइन टेस्टिंग कैसे करेंगे, जब इंस्टॉलेशन करेंगे टेस्टिंग और कमीशनिंग आपकी होगी, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए अच्छे से। फिर आप तो 4K कैमराज आ रहे हैं, 4K कैमराज आ रहे हैं आईपी सीसीटीवी सिस्टम में, 4K कैमराज लगते हैं, उनका मेगापिक्सल सारे, चाहे 2 मेगापिक्सल हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो, 12 हो, तो उसका मेगापिक्सल का क्या साइज़ होता है। और फिर उसकी सबसे अच्छी बात दोस्तों, के जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो कैमरा को आप कैसे चूज़ करेंगे अपने एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग, साइट को जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों ये, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट है 2 मेगापिक्सल के, आप कर रहे हो 5 मेगापिक्सल्स, और रिजोल्यूशन आपका हाई हो जाएगा, आपको फिर स्टोरेज ज़्यादा चाहिए होगा, तो ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो इस वीडियो में ना ये सारी चीज़ें एक एक करके कवर करी है, यहाँ पर 4K कैमरा को बताया आपको। तो ये देखिए, ये जो यहाँ से लेकर ये 9 वीडियो जो होंगे बिल्कुल बेसिक है, बेसिक बहुत जो जो चीज़ें यूज़ होंगी इसके अंदर, लगभग ये 1 घंटे की सारा कवर किया है, बहुत ही मतलब इसमें बहुत अच्छे से आपको बता रखा है, कोई भी चीज़ में मैंने इसमें छोड़ी नहीं है आपके बताने के लिए, क्योंकि एक एक वीडियो ये काफ़ी लंबी लंबी वीडियोज़ हैं, कोई ऐसी नहीं 5 मिनट की नहीं है, मिनिमम 10 मिनट से ज़्यादा की एक वीडियो होगी, 8 से 10 मिनट, 12 मिनट, 20 मिनट से ऐसे करके, तो बहुत ही अच्छे से ये बेसिक मैंने आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं, फिर उसमें जाते हैं एनालॉग सीसीटीवी सिस्टम में, उसके डीवीआर में, तो बिल्कुल डीवीआर को चाहे 4 चैनल हो, 8 चैनल हो, चाहे 16 चैनल हो, 32 चैनल हो, 64 चैनल हो, बिल्कुल मैंने सेटअप करना सिखाया है बिल्कुल अच्छे से आपको। और उसके बाद इसको रिमोटली एक्सेस कैसे करेंगे, मैंने इसको इसी एक वीडियो में, लगभग 24 मिनट की वीडियो होगी, 25 मिनट की, इसी एक वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको एनालॉग सीसीटीवी सिस्टम को बताया है। फिर आपको उसको रिमोटली देखना, अपने डीवीआर को ऑनलाइन करना हो, चाहे लोकल एरिया नेटवर्क में करना हो, चाहे रिमोटली आप किसी भी लोकेशंस पर आपको करना हो, उसके लिए मैंने DDNS भी बताया है इसके अंदर। फिर पोर्ट फॉरवर्डिंग बताइए, राउटर में कैसे आप ऑनलाइन करेंगे, ठीक है, बिल्कुल एक ही वीडियो में बता दिया है इसमें। और उसके बाद एनालॉग सिस्टम का यहाँ पर फिर दूसरी वीडियो भी लिए मैंने इसमें, और मैंने जो पॉइंट दूसरा सीसीटीवी सिस्टम लेके उसको बताया मैंने, डीवीआर को आप कैसे ऑनलाइन करेंगे, यहाँ पर भी बिल्कुल प्रैक्टिकली मैंने बताया है इस वाली वीडियो में। फिर मैंने एक आपको हिकविजन का लेके बताया है, उसका आप नेटवर्क सेटअप कैसे करेंगे, डीवीआर का बता रहा हूँ, आईपी का नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि डीवीआर को भी हम ऑनलाइन कर सकते हैं, एनालॉग सिस्टम को ऑनलाइन देखने के लिए, या फिर रिमोट पे, मोबाइल पे, चाहे आप लोकल एरिया नेटवर्क देखें अपने, चाहे आप कहीं भी पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी वहाँ भी देख सकते हैं, उसके लिए आपको DDNS या पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ती है अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए, मैंने इन 3 वीडियो में बिल्कुल ये तीनों वीडियो मिला के कम से कम अप्रॉक्सीमेट 1 घंटे का पूरा
ये एनालॉग सिस्टम को मैंने ख़त्म कर दिया बिल्कुल, उसमें बेसिक से एडवांस तक। अब आती है मेन, यहाँ पर दो सेक्शन कवर हो गए, एक बेसिक का हो गया, फिर एनालॉग का कवर हो गया, फिर आईपी सीसीटीवी सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जब आईपी सीसीटीवी सिस्टम चलेंगे तो आईपी एड्रेसिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे से, मैंने बहुत अच्छे से इसमें कवर कराया है। उसके बाद अपने कंप्यूटर के आईपी एड्रेस कैसे सेट करेंगे, जब आप अपने कैमरा को कॉन्फिगर करेंगे अपने कैमरा को कॉन्फिगर करेंगे और एनवीआर से कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको पहले अपने कैमरा को आईपी कैमरा को कॉन्फिगर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ आईपी सीसीटीवी कर लेता हूँ। तो उसके बाद देखिए, एक वीडियो ये लिए हाउ टू सेटअप आईपी सीसीटीवी कैमरा एनवीआर, सेटअप एनवीआर ऑनलाइन फॉर कैमरा रिमोट व्यूइंग ऑन मोबाइल एंड लैपटॉप। तो इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से इस एक वीडियो में पूरी में आपके आईपी सीसीटीवी कैमरा को, चाहे वो 4 चैनल हो, 8 चैनल हो, 16 चैनल हो, 32 हो, 64 हो, 120 हो, इसमें मैंने बताया है आपको इंस्टॉलेशन आईपी सीसीटीवी कैमरा का अपने एनबीआर के साथ, फिर एनबीआर की कॉन्फ़िगरेशन बताइए उसको ऑनलाइन कैसे आपको करना है, चाहे लोकल एरिया नेटवर्क में करना है, चाहे आपको रिमोटली कहीं भी वर्ल्ड वाइड देखना है, उसकी उसकी डीडीएनएस की सेटिंग बताइए, पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे करेंगे राउटर के अंदर उसको ऑनलाइन करने के लिए। तो इस एक वीडियो में मैंने कवर कर दिया, ये भी लगभग 25 से 30 मिनट की वीडियो है। फिर मैंने एक आपको हिकविजन का लेके और बताया है यहाँ पे, ताकि आजकल तो हिकविजन बहुत ज़्यादा यूज होता है, वैसे तो आप कोई भी कैमरा ले लें, कोई भी कंपनी को उठा लें, सबका एक ही तरीका होता है, मैंने सब कुछ इसमें बताया है इस वाली वीडियो में, सबका एक ही तरीका होता है कैसे कैसे आप करेंगे। उसके बाद भी मैंने हिकविजन का लिया, आपको अच्छे से उसका इंस्टॉलेशन, उसकी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन और आपको ऑनलाइन कैसे करना है इसमें सब बताया मैंने। फिर देखिए, अपने एनवीआर को, अपने कैमरा को कितने तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं नेटवर्क में, तो 4 तरीके मेनली होते हैं, उसमें बहुत अच्छे से मैंने बताया है। ये अभी आईपी का चल रहा है यहाँ से, 13 से अभी आईपी का चल रहा है पूरा। उसके बाद अब तो देखिए, वायरलेस कैमरा भी आ गए हैं और वायरलेस और एनबीआर भी आएगा, जिसको वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं आप कैमरा से, कैमरा वायरलेस से काम करते हैं, ट्रांसमीटर लगा होता है, रिसीवर लगा होता है आप, तो उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन पूरी बताई है, उसको ऑनलाइन कैसे करना है सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, और ऑन व्हील प्रोटोकॉल क्या क्या होता है, जो ऑन व्हील प्रोटोकॉल यूज़ होता है आईपी सीसीटीवी सिस्टम में, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए ऑन व्हील क्या होता है, तो बिल्कुल उसको प्रैक्टिकली मैंने बताया है इसको आपको। और देखिए, हाँ अभी आईपी सीसीटीवी चल रहा है ये। अब देखिए, यहाँ से आता है आपका डीबीआर एनबीआर हो उसको ऑनलाइन कैसे करना है रिमोटली देखने के लिए। ठीक है, दो टेक्नोलॉजी और आती है, आपने क्लाउड का नाम सुना होगा और इंस्टॉन का नाम सुना होगा, इससे कैसे करेंगे, कोई भी आपका डीबीआर हो, किसी भी कंपनी का एनबीआर हो, पहले मैंने बताया आप इंस्टॉलेशन करें कैसे करेंगे, किसी भी कंपनी का हो, चाहे टेस्टिंग कमीशनिंग कैसे करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सब मैंने बताया है। और यहाँ पर देखिए, इन दो तरीके से भी होता है, इंस्टॉन और क्लाउड पर आप कैसे ऑनलाइन करेंगे, ये पूरा एक ही वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ, अब आप बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे नेटवर्किंग के, आईपीटी सीसीटीवी के। ठीक है, फिर मैंने एक सेपरेट वीडियो यहाँ पर लिए, ये अपने आप कैमरा को ऑनलाइन करते हैं वर्ल्ड वाइड देखने के लिए, तो आपको डीडीएनएस करना पड़ता है, यानी कि डायनेमिक डोमेन नेम सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ती है, फिर पोर्ट फॉरवर्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, अपने डीबीआर एनबीआर को ऑनलाइन करने के लिए रिमोटली अपने मोबाइल और लैपटॉप पर देखने के लिए वर्ल्ड वाइड कहीं भी। तो ये एक डेडिकेटेड वीडियो बनाइए और अच्छे से आपको समझाने के लिए, कि आप बिल्कुल भी ना भूलें, पहले भी मैंने बताया और पहले की वीडियो में, फिर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। सबसे अच्छी चीज़ देखिए, ये दो वीडियो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी, कम से कम 25 मिनट के एक वीडियो है ये। इसमें क्या है, देखिए, हाउ टू कनेक्ट मल्टीपल सीसीटीवी कैमराज डीवीआर टू वन मॉनिटर और मल्टीपल मॉनिटर। अब इसमें थोड़ा मैं ब्रीफ कर दूँ इसके अंदर क्या होगा। देखिए, आपने 4 चैनल का लिया, 16 चैनल का लिया, 8 चैनल का लिया, 16 चैनल का लिया, 32 चैनल का लिया अपना, और चाहे आप कितने भी डीबीआर ले, मल्टीपल डीबीआर ले लें, मल्टीपल डीबीआर एनालॉग सिस्टम ले लें, उनको इंस्टॉल कर दें। ठीक है, अब उन सब के जो कैमराज होंगे, आप एक ही मॉनिटर पर देख सकते हैं, तो उसको कैसे देखेंगे, फिर उसको ऑनलाइन करना होगा कि डीबीआर का आईपी एड्रेस को कैसे यूज़ करेंगे सारे के, फिर ऑनलाइन करने के लिए एक सीएमएस सॉफ्टवेयर होता है, उस पर कैसे ऑनलाइन करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे डीबीआर की ऑनलाइन करने के लिए, तो सारी चीज़ें बता रखिए। आप कितने ही डीबीआर कनेक्ट कर लिए, चाहे 10 करिए, 15 करिए, कितने ही करिए, ऐसी आईपी का मैंने बताया है, कितने ही हैं आप आईपी एनबीआर ले लिए, आईपी सीसीटीवी सिस्टम ले लिए, एनबीआर लिए,
उसको एक मॉनिटर पर देखना हो, चाहे ऑनलाइन देखना हो, चाहे वर्ल्ड वाइड देखना हो, तो इन दो वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं दोनों। आपको ये मल्टी नेटवर्किंग सिखा देंगी आपको, कितनी देखिए आप मास्टर बन जाएंगे इस कोर्स को, क्योंकि मल्टी नेटवर्किंग सिखा देंगे ये दो वीडियो आपको, मल्टी नेटवर्किंग ये दो वीडियो केवल। इसमें मैंने कम से कम 5-6 NBR लिए होंगे, 5-6 DBR लिए होंगे, सबको कनेक्ट करा होगा साथ में, एक सॉफ्टवेयर में मैंने 6 सॉफ्टवेयर में दिखाया है कैसे करेंगे आप। तो मल्टी नेटवर्किंग करने के लिए दो वीडियो काफ़ी, कम से कम ये दोनों वीडियो में दोस्तों होंगी, कम से कम नहीं तो दोस्तों 50 मिनट की दो वीडियो ही होंगी। ये बहुत मैंने इस पर डीपली बताया है। फिर CMS सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन बताया है, एक उस पर कनेक्ट करने के लिए आपको CMS सॉफ्टवेयर लिया बताया है। फिर ये थोड़ा लाइव का बनाया, IPSC ट्रेनिंग का बताया है। तो सभी मतलब बहुत अच्छा कोर्स बनाया है ये, मैंने कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर हाईलाइट करी हैं आपको, ठीक है, कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट किया आपको बताने के लिए कि क्या क्या इसके अंदर है। बहुत ही मतलब ब्रॉडली आपको हर चीज़ इसके अंदर मिलेगी, कुछ नहीं छोड़ा है मैंने जो बताने का होता है। देखिए इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछता है इसको, व्हाट इज़ S26, S264, आपको HPR में पूछ लेगा क्या डिफरेंस है, ठीक है, आपको सबसे अच्छी चीज़ आ या 4K कैमरा में आएंगे तो आपसे पूछ लेगा कि किस साइड किस एप्लीकेशन के लिए कौन सा कैमरा लगाया, कैसे चूज़ करोगे इंस्टॉलेशन में, ठीक है, ये सब इंटरव्यू के क्वेश्चन भी बन जाते हैं यहाँ से। फिर फ्यूज स्विच यहाँ से पूछ लेगा, मतलब ये मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकली बताया, इंटेलिजेंट फ्यूज स्विच है और कैमरे का मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में बताइए, एक कैमरे के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। तो फिर आपको पोर्टफोलियो वर्डिंग कैसे करनी है, DDNS कैसे करना है, मल्टी नेटवर्किंग कैसे करनी है, इंस्टा ऑन क्लाउड कैसे करना है, और नेटवर्क कैसे बनाया बनाना है आपको IP कैमरा का, चाहे कितने ही टावर को आप एक साथ कनेक्ट कर लें, कितने कैमरा को एक साथ कनेक्ट कर लें, तो कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने आपके लिए बताने के लिए। तभी ये कोर्स दोस्तों 4 hour 38 minute का है, अदरवाइज़ देखिए CCTV की मैं बात करूँ तो 1 घंटे में भी कोर्स ख़त्म हो सकता है, मगर नहीं, मैंने बिल्कुल आपको डिटेल में बताया है, बहुत डिटेल में बताया है, इसलिए कोर्स 4 hours 38 minute का है। और दोस्तों बिल्कुल बेसिक से एडवांस मैंने बताया है। देखिए मैं इसका प्राइस भी बहुत कम रखूँगा, बहुत कम रखूँगा, मैंने सोचा है आपको 699 रुपये का रखूँगा बस, ज़्यादा नहीं, पिछले कोर्सेज से भी कम, क्योंकि देखिए ये कॉमन सिस्टम होता है। आप चाहे BMS पे काम नहीं कर रहे हो, चाहे फायर अलार्म पे काम नहीं कर रहे हो, मगर आप किसी भी साइट पे जाएंगे ELV सिस्टम के, तो वहाँ CCTV तो ज़रूर लगा होगा, ठीक है, तो आपको ये तो आना ही चाहिए, एक बेसिक सिस्टम है IP CCTV और एनालॉग सिस्टम, ये तो लगा ही होता है, तो ये तो आपको ज़रूर आना चाहिए। तो इसलिए मैं कोर्स के प्राइस भी कम रख रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनरोल करें, कोर्स जल्दी ही लाइव हो जाएगा 1-2 दिन में, तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इसमें एनरोल करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और अपने करियर को बूस्ट करेंगे। और बिल्कुल मैंने डिटेल में बताया है, अभी तो मैंने केवल आपको कंटेंट बताया है इसका, ठीक है, इसका मैंने कंटेंट बताया है, मैंने उडेमी की वेबसाइट से आपको ये बता रहा हूँ, केवल आपको मैंने कंटेंट की कुछ चीज़ें बताई हैं यहाँ पे, जो और इन सारे वीडियोस के अंदर आपको बहुत डिटेल में सारी चीज़ें मिलेंगी, कुछ भी छूटने वाला नहीं है जो छूटे टॉपिक। और आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो मैं, डाउट तो कोई होना नहीं चाहिए, फिर भी कोई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आप सब लोग इसमें एनरोल कर लेंगे और ये कोर्स जल्दी 1-2 दिन में लॉन्च हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। जैसे ही लाइव हो जाएगा तो मैं एक वीडियो फिर से बनाऊंगा आपको बताने के लिए, और कैसे आपको एनरोल करना है, कैसे इसको बाय करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।